तो ये आपकी है समसामयिकी घटना चक्र, वार्षिकांक जो दृष्टि निकालता है, ठीक है, ये दृष्टि निकालता है ना वही। और याद रखिए आपके यूपीपीसीएस फिर या सिविल सर्विस, इन एग्जामों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स का एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान हो। और वैसे आप जानते हैं कि सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और यूपीपीसीएस के लिए तो ये मेन बुक से लिखी जाती है उसी को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से भी देख चुके हैं और विधिक परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। याद रखिए जो भी आपकी क्लासें खत्म होती जा रही हैं वो सभी आपकी समसामयिकी घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है हम लोगों ने उसी में डली हुई है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग वैश्विक राजनीति को भी देखेंगे, सामाजिक घटनाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समाचार का लेखा जोखा देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करनी है अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। वैसे आपको बता दूं कि 2020 तो आपका पूरा निकल जा गया है लगभग, ये कोई हमारे नेता ने किसी विदेशी यात्रा नहीं की है जब से कोरोना महामारी चली है और जब से लॉकडाउन देश में लगाया गया है। वर्चुअल मीटिंगें हो रही हैं यानी कि वीडियो कॉलिंग के जरिए, ठीक है। तो इसमें 2019 का इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे लगता है 2019 के इस बार आंकड़े पूछे जाएंगे। 2019 में जो भी हमारे देश के मैन मैन नेताओं ने यात्रा की है किसी देश की, या कोई देश का किसी अन्य देश का हमारे देश में आया हुआ है, तो उनसे क्वेश्चंस बच सकते हैं। तो इसमें एक सामान्य जानकारी दे दूंगा, लेकिन पिछली क्लासों में हम लोगों ने 2019 में सभी यात्राओं को देखा था, विस्तार से बात की थी। भारत म्यांमार अंतरराष्ट्रीय संबंध में पहला देखते हैं, भारत म्यांमार हमारा पड़ोसी है ना, बर्मा जिसे कहते हैं आप लोग। भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत ने अपनी पत्नी और म्यांमार की प्रथम महिला डा चो चो के साथ 26 से 29 फरवरी 2020 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। इस दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति ने बोधगया तथा आगरा जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की यात्रा भी की है। तमू मोरे और रीहक बोदर झोका उतार में दो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को अंतरराष्ट्रीय सीमा द्वार के रूप में खोले जाने का दोनों देशों ने स्वागत भी किया था। इस तरह के नाम होते हैं कि कई बार आप लोग भी विचलित हो जाते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे आधारभूत ढांचे निर्माण यथा गंगा मेकांग सहयोग ढांचा, सीतवे बंदरगाह के निर्माण, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और कलेवा यारगई ट्राई हाईवे, पलेटवा आंतरिक जल परिवहन टर्मिनल आदि की प्रगति पर संतोष व्यक्त भी किया गया है। ये म्यांमार और भारत के बीच। भारत ने म्यांमार को कैंसर के उपचार के लिए भाभा ट्रॉन 2 नामक रेडिएशन उपकरण उपलब्ध करवाया है भारत में, ठीक है। म्यांमार ने भारत के आधार प्रोजेक्ट पर आधारित म्यांमार के राष्ट्रीय पहचान प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग देने पर धन्यवाद दिया है। म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूपरेखा समझौतों में हुए संशोधन का सीधी अनुसमर्थन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने म्यांमार के बागान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के स्वागत भी किया है। तो ये कहानी है आपके भारत और म्यांमार की। अब बात करते हैं भारत न्यूजीलैंड। देखिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं है 2020 में, इसलिए आप देखेंगे कमी है। 25 से 28 फरवरी 2020 के मध्य न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत की यात्रा संपन्न की है। उनके साथ न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री डेविड पार्कर और एक व्यापारिक प्रतिनिधि भी भारत आया था। अपनी यात्रा के दौरान श्री विंस्टन पीटर्स ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की तथा राजनीतिक आर्थिक रक्षा व प्रतिरक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा दोनों देशों के आम जन के संपर्क के विस्तार के विषय में विस्तृत चर्चा भी की हुई है। इस दौरान श्री पीटर्स ने भारत 2025 यानी कि 2025 संबंधों में निवेश शीर्षक से एक नया रणनीतिक दस्तावेज भी जारी किया है। उन्होंने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन भी करने और समुद्री कानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता भी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सहयोग करने पर सहमति भी जताई है, ठीक है। आगे है आपका भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रथम महिला
मेलाडीना मेला निया ट्रंप ने भारत की राजकीय यात्रा की है, उनकी पत्नी महिला मेला निया। ठीक है, यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्टेट मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। तो इस स्टेडियम को याद रखिए, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। राष्ट्रपति ट्रंप गांधी जी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम भी गए हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा पर प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने मोदी ने बताया कि भारत व अमेरिका रक्षा प्रतिरक्षा और रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी तकनीकी सहयोग वैश्विक संपर्क व्यापार संबंधों तथा लोगों के आपसी जुड़ाव सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इसलिए आना हुआ था क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ हमारे देश के बहुत सारे लोग अमेरिका में भी रहते हैं, तो एक तरह से वोट बैंक की राजनीति वो भी करते हैं। ठीक है, दोनों देशों के मध्य सैन्य सामरिक और लॉजिस्टिक्स सहयोग नई ऊंचाइयां ग्रहण कर रहा है। अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन चुका है। पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के मध्य 20 बिलियन डॉलर का ऊर्जा व्यापार हुआ है। 21वीं शताब्दी में उभरती हुई तकनीकी संसार में होने वाली अगली औद्योगिक क्रांति 4.0 तथा अन्य तकनीकी नवाचारों में भारत में अमेरिका का परस्पर सहयोग नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इस भारत के द्वारा लगभग 3 बिलियन डॉलर मूल्य के रक्षा समझौतों पर भी सहमति बनी है। इसके तहत अमेरिका भारतीय नौसेना हेतु 24 MH-60R सी हॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों तथा भारतीय थल सेना हेतु 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति भी करेगा। तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। 21 से 27 सितंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे थे, आप सभी लोगों को मालूम होगा। 22 सितंबर 2019 को टेक्सास इंडिया फॉर्म द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन टेक्सास स्थित NRG स्टेडियम में हाउडी मोदी सेयर्स ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर्स शीर्षक से एक सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रह रहे 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया था। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क तथा गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन भी किया है। गांधी सोलर पार्क परियोजना के तहत भारत द्वारा प्रदत्त 1 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की छत पर सौर पैनल स्थापित किए गए। कुल 193 सौर पैनलों की स्थापना की गई, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या भी है। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जो इसमें सदस्य कितने हैं, टोटल 193। ठीक है, ये सौर पैनल अधिकतम 50 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम है। गांधी पीस गार्डन एक नवोन्मेषी पहल है जिसके तहत स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के परिसर में 150 पेड़ लगाए गए हैं। 24 सितंबर 2019 को ही बिल एंड मेलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछ लेगा कि ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से किस मतलब किसके द्वारा दिया गया था, बिल एंड मेलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन द्वारा नरेंद्र मोदी साहब को। प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु प्रदान किया गया। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ के स्मरण में 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय स्थित आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चैम्बर में प्रधानमंत्री मोदी ने लीडरशिप मैटर्स रिलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड शीर्षक से एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में की मेजबानी भी की है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित भी किया हुआ था। किस नंबर के 74वें। फिर आपने देखा है कि भारत पुर्तगाल के बीच में भारत पुर्तगाल के संबंध 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूजा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। वर्ष 2007 के बाद से पुर्तगाल के किसी राष्ट्रपति की यह पहली भारतीय यात्रा थी 2007 के बाद। इससे पूर्व आप देखते हैं कि जनवरी 2007 में पुर्तगाल के तत्कालीन राष्ट्रपति अनिबल एंटोनियो कवाकू सिल्वा ने भारत की राजकीय यात्रा की थी। तो ये पूछ सकता है कि इनसे पहले किसने यात्रा की थी, तो ये हैं 2007
साथ में की थी। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अनिबल एंटोनियो कबाको सिल्वा, बड़े अजीब नाम रहते हैं इनके। इस दौरान दोनों देशों के मध्य जिन समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए उनमें प्रमुख हेल लोथल गुजरात में एक राष्ट्रीय सामुदायिक म्यूजियम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु सहयोग, औद्योगिक व बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सहयोग करने, समुद्री परिवहन व बंदरगाह विकास में सहयोग करने, भारत की इन्वेस्ट इंडिया पहल और पुर्तगाल स्टार्टअप पहल के बीच सहयोग करना है। आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, समझ रहे हैं, और सबसे बाद में आप देखते हैं कि 1961 तक इनका कई हिस्सों पर हमारे भारत में कब्जा बना रहा। इसके अतिरिक्त सात समझौतों की घोषणा भी की गई है जिनमें आपके भारत के रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान तथा लिस्बन विश्वविद्यालय की के सामाजिक राजनीतिक विज्ञान संस्थान के मध्य रणनीतिक एवं रक्षात्मक क्षेत्रों में सहयोग क्रिसर कि तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर विषयक विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान तथा पुर्तगाल के इंस्टीट्यूट सुपियर टेक्निको के मध्य उच्चतर विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, भारत के हाल तथा पुर्तगाल के सिया के मध्य एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में सहयोग, और पुर्तगाली स्कूलों में योग के लाभ पर वैज्ञानिक पुष्टिकरण प्रोजेक्ट चलाने के लिए बंगलोर के ब्यास तथा पुर्तगाल की पुर्तगाल योन एवं कन्फेडरेशन के मध्य समझौता ज्ञापन भी। इसके पूर्व पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने 19 से 20 दिसंबर 2019 को भारत का दौरा भी किया था। ठीक, अब बात करते हैं भारत वियतनाम की। तो वियतनाम के ऊपर की उपराष्ट्रपति डांग थी नॉक थेने 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रही हैं। इन नामों को याद रखना, बड़े अजीब नाम है इनके। 12 फरवरी 2020 को श्रीमती डांग और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के मध्य द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। 13 फरवरी 2020 को उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है और वर्ष 2020 में वियतनाम को आसियान का अध्यक्ष चुना गया है। 12 फरवरी को भारत और वियतनाम के बीच सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। वियतनाम की उपराष्ट्रपति की यह यात्रा वर्ष 2016 में दोनों देशों के मध्य स्थापित व्यापक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। फिर आप देखेंगे भारत ब्राजील। तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सो नारो ने भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के उद्देश्य से 25 से 27 जनवरी 2020 के बीच भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। तो यह पूछ लेगा कि मैन अतिथि कौन थे, तो याद रखिए ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, श्री बोल्सोनारो की यह भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। याद रहे कि इसके पूर्व ब्राजील के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा अक्टूबर 2016 में संपन्न हुई थी जब तत्कालीन ब्राजीलियाई राष्ट्रपति मिशेल टेमन ने गोवाक में 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवंबर 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रासिलिया गए हुए थे। ब्राजील में 2020 के पूर्व वर्ष 1996 और 2004 में भी भारत गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति की मेजबानी कर चुका है। तो 1996 और 2004 में। पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी संयुक्त वक्तव्य में विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपने अपने देशों की आकांक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आप जानते हैं कि स्थायी सदस्य की बात की जा रही है, स्थायी सदस्यता की भारत भी आप देख रहे हैं मुद्दा उठा रहा है, जापान भी उठा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी उठा रहा है, तो सुधार होना चाहिए एक तरह से, तो इसमें भी हमारी बात की जा रही है। 21-22 के लिए आपको मालूम होगा कि अस्थायी सदस्य चुना गया है भारत 8वीं बार। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने नाभिकीय आपूर्ति समूह यानी कि NSG में भारत की सदस्यता के समर्थन के आश्वासन के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की मध्य 15 MOU यानी कि समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिमने में आपके निम्नलिखित हैं। जैव ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु, प्राकृतिक गैस एवं तेल क्षेत्र में सहयोग हेतु निवेश सहयोग और आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा व होम्योपैथिक उपचार,
सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग, भूगर्भ एवं खनिज संसाधन, पशुधन एवं डेयरी, निवेश एवं व्यापार में परस्पर सहयोग, ये मेन क्षेत्र थे इसमें, ठीक है। पर आप देखेंगे भारत और मालदीव 10 से 14 दिसंबर 2019 के बीच मध्य मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाही छठवीं भारतीय मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर भी रहे हैं। और 13 दिसंबर 2019 को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ छठवीं भारत मालदीव JCM की सह अध्यक्षता की और दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। याद रखिए, इन्हीं को आप लोग याद रख लीजिए। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं 2020 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, समझ रहे हैं? ना किसी देश ने, किसी राष्ट्र प्रमुख ने किसी अन्य देश की यात्रा की, ना ही कोई हमारे पास आया हुआ है। दो चार लोग आए हुए हैं तो आप लोगों ने देख भी लिया है। 2019 से मुझे लगता है कि आंकड़े पूछ लेगा, तो 2019 के बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ के जाना। इसमें आप देखेंगे भारत मालदीव के बीच दोनों पक्षों ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति तथा मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों के मध्य 3 MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं? भारत तथा मालदीव के निर्वाचन आयोगों के बीच सहयोग हेतु MOU, भारत की वित्तीय आसूचना इकाइयों के मध्य सहयोग हेतु MOU का आदान प्रदान, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहयोग हेतु संधि के पुष्टिकरण हेतु समझौते का आदान प्रदान। अगला भारत मालदीव GCM वर्ष 2021 में मालदीव में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2021 का कहाँ होना है? मालदीव में, ये भी पूछ लेगा पेगा। फिर आपने देखा है भारत जापान, जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु तथा रक्षा मंत्री कोनो तारो 30 नवंबर 2019 को भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिका और भारत के बीच भी 2+2 वार्तालाप होता है। इसमें आप देखेंगे विदेश मंत्री भी भाग लेते हैं और रक्षा मंत्री, या इनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। भारत जापान की मध्य 2+2 यानी कि 2+2 संवाद के आयोजन का निर्णय वर्ष 2018 में 13वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया है और दोनों पक्षों ने भारत जापान की मध्य 2008 की संयुक्त सुरक्षा सहयोग उद्घोषणा और 2009 की सुरक्षा सहयोग उन्नयन कार्ययोजना को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। मंत्रियों ने दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास के जारी रहने पर संतोष व्यक्त किया है। मंत्रियों ने द्वितीय धर्म गार्जियन 2019 और सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो याद रखिए, जो कई बार पूछ लेता है धर्म गार्जियन किन किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है, तो भारत और जापान, पाकिस्तान कहां से आ रहा है। द्वितीय सैन्य मैत्री, ये भी सैन्य अभ्यास है, 2019 का आयोजन स्वागत किया है। तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने मानव रहित जमीनी वाहन तथा रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान व सहयोग का स्वागत भी किया है। मंत्रियों ने भारत जापान यूएसए त्रिपक्षीय सहयोग के निर्माण के उद्देश्य से सितंबर अक्टूबर 2019 में आयोजित मालाबार 2019 सैन्य अभ्यास की सफलता पर भी संतोष व्यक्त किया है। अगली बार जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री बैठक का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा। तो अगली बार याद रखिए, जहां भी होगा ये टोक्यो जापान में होगा, जापान में, ठीक है, आपका जो विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक। जापान के नए सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य जापान की यात्रा पर भी रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा। याद रहे आपको कि 59 वर्षीय नारुहितो जापान की 126वें सम्राट हैं। उल्लेखनीय है कि यह 29 वर्षों के अंतराल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली जापान यात्रा भी रही है, भारतीय राष्ट्रपति की। इससे पूर्व आप देखते हैं कि 1990 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने सम्राट आकिहितो के राज्याभिषेक में समारोह में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा की थी। और आपके जो कोविंद साहब हैं, इन्होंने किसके नारुहितो के राज्याभिषेक में भाग लेने गए थे, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने 21 अक्टूबर 2019 को टोक्यो स्थित सुकीची होंग वांजी बुद्ध मंदिर का दौरा भी किया, वहां बौद्ध गया से लाए गए पौधे को रोपित भी किया। फिर आपका भारत इंडोनेशिया, 13 दिसंबर 2019 को इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी
कि 6वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 6वीं भारत इंडोनेशिया जेसीएम यानी कि संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता भी की है। चर्चा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा कनेक्टिविटी व्यापार व निवेश तथा दोनों देशों के नागरिकों के परस्पर जुड़ाव की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। दोनों देशों ने अंडमान निकोबार एस कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया है। इस कनेक्टिविटी के माध्यम से दोनों देशों के मध्य व्यापार निवेश में वृद्धि भी हुई है। भारत इंडोनेशिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी का साझा करता है। वर्ष 2019 में भारत इंडोनेशिया के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, यार रखिए। भारत और थाईलैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत और थाईलैंड आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे हैं और 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में स्वास्थ्य पीएम मोदी समुदाय कार्यक्रम की को संबोधित भी किया है। थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों ने इस आयोजन में भाग भी लिया है। 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी एवं थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल फियूत चान ओचा की मध्य हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने बैंकॉक एवं गुवाहाटी के मध्य सीधी उड़ान शुरू होने का स्वागत भी किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विख्यात तमिल कवि थेरुवल्लुवर की तमिल ग्रंथ तिरुकुरल के थाई अनुवाद का विमोचन भी किया है। साथ ही उन्होंने गुरु नानक देव के 550वीं प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्के भी जारी किए हैं। 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड के में आदित्य बिड़ला समूह के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल भी हुए हैं। फिर आप देखेंगे भारत जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत की यात्रा पर रही हैं। जर्मनी की चांसलर की इस यात्रा को का उद्देश्य 5वें द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेना था। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों की बात करें तो 2020 से 2024 की अवधि के लिए परामर्श पर आशय की संयुक्त घोषणा भी हुई है। सामरिक परियोजनाओं पर सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा भी हुई है। ग्रीन शहरी गतिशीलता के लिए भारत जर्मनी भागीदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा भी हुई है। कृत्रिम आसूचना पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के लिए आशय की संयुक्त घोषणा भी हुई है। समुद्री कचरे की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा, इन्हें भी याद रखिएगा। भारत सऊदी अरब की बात करें, भारत सऊदी अरब तो 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की राजकीय अस्थिरता पर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की है दूसरी यात्रा है। इसके पूर्व उन्होंने अप्रैल 2016 में इस देश की यात्रा की थी, तो उसके बाद आप देख रहे हैं अक्टूबर 2019 में। ठीक है, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के पूर्ण सत्र में हिस्सा भी लिया है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, सुरक्षा सहयोग, रक्षा, रुपे कार्ड के लॉन्च और चिकित्सीय उत्पादों के विनिमय क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में कुल 12 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। कितने? 12। इन 12 समझौतों में रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर हुआ समझौता भी आपका शामिल है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया है। उल्लेखनीय है कि अपने विजन 2030 यानी कि 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु 8 देशों का चयन किया है, जिसमें आप देखेंगे भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान है। इन देशों को भी याद रखिए, भारत भी इसमें शामिल है। फिर है भारत फिलीपींस। 17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे हैं।
2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिलीपींस की यह पहली यात्रा है। तो याद रखिए, अभी आपके जो रामनाथ कोविंद साहब ने यात्रा की है फिलीपींस की, इससे पहले आप देखेंगे 2006 में एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यात्रा की थी। राष्ट्रपति के रूप की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2019 में भारत एवं फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने? 70 वर्ष। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव तथा चौथे आसियान भारत बिजनेस शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित भी किया है। 20 अक्टूबर 2019 को भारतीय राष्ट्रपति ने क्यू जोन सिटी फिलीपींस स्थित मेरियम कॉलेज के सेंटर फॉर पीस एजुकेशन में महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अब बात करते हैं भारत चीन, आपका पड़ोसी है, वैसे भी आपके इनसे तो वार्ता होती रहती है। अभी आप देख रहे हैं जब से ठनी हुई है दोनों देशों के बीच, कई तरह की वार्ताएं हो चुकी हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। 11 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई के निकट स्थित एक तटीय नगर मामल्लपुरम में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि मामल्लपुरम को महाबलीपुरम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यही विश्व विरासत स्थल भी है तमिलनाडु में। ठीक है, क्या है? यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। यहां स्थिति स्मारकों के समूह को वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत चीन के मध्य प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 27 से 28 अप्रैल 2018 के दौरान वुहान चीन में आयोजित किया गया था। ये जो द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ है ये आपका भारत में आयोजित किया गया है। ठीक है, एक तरह से अनौपचारिक कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई निर्धारित नहीं रहती है, पहले से किसी भी मुद्दे पर आपकी बात हो सकती है। ठीक है, वही हाल है कि आप निर्धारित करके जाएंगे किसी होटल में, आप जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, तो आप पहले ही से एक पूरा अपना बना लीजिए कि एक खाएंगे, एक खरीदा जाएगा, ये लिया जाएगा, जो भी आपका हो, एक ये भी निर्धारित होता है। अनौपचारिक तरीका ये कहलाता है कि आप लोग जाइए वहां, जो अच्छा लगे उस पर बात कीजिए, खाइए, निकल आइए। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इन्हें भी देख लीजिए, 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 के मध्य संपन्न प्रमुख यात्रा है। और वैसे आप देखेंगे कि 2020 में कहाँ यात्राएं हुई हैं, तो इन्हें आप लोग देखिए, जो भी हुई हैं फिलहाल उन्हें याद रखना है। आवक यात्राएं, अब तो आप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देख रहे हैं कि हो रही हैं। आवक यात्राएं कि जो किसी अन्य देश के हैं वो हमारे देश में आए हुए हैं, उन्हें एक तरह से आवक यात्राएं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत की भारत यात्रा, ये आप जानते हैं कि 26 से 29 फरवरी 2020 के बाद हुई है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत की भारत यात्रा, ये 25 से 28 फरवरी 2020 के मध्य हुई है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की भारत यात्रा, ये 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा, ये आप देखेंगे 13 से माफ करिएगा, 1 सेकेंड, क्या है कि गलती हो जाती है, मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि अगर गलती हो जाए तो आप लोग सुधार के लिख दिया करिएगा। देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत की भारत यात्रा, वैसे पीछे हम लोग देख चुके हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप नीचे बता दिया करिएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत की भारत यात्रा 26 से 29 फरवरी 2020 के मध्य। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स की भारत यात्रा 25 से 28 फरवरी 2020 के मध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य। इसी तरह आप लोग देखिए, आंसर जो आपकी बुकलेट होती है, अगर उसमें एक आंसर आपने गलत लगा दिया, ऊपर का नेचर कर दिया, और आप क्रम से लगाते गए तो पूरी आंसर पूरे सभी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि एक को हम लोगों ने नीचे से जोड़ दिया तो ये पूरे गलत हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा की भारत यात्रा, ये आप देखेंगे 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य। वियतनाम के उपराष्ट्रपति डंग थी नो थेन की भारत यात्रा, 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा 7 से 11 फरवरी 2020 के मध्य। श्रीलंका के, ठीक है, हो गए,
लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री जीन एसएल बॉन की भारत यात्रा, ये 27 से 28 जनवरी 2020 की मत। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मिसियस बोल्सोनारो की भारत यात्रा, ये 24 से 27 जनवरी के मध्य रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी की आपने देखा है स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, इसकी एक तरह से ये शामिल हुए थे। फिर आप देखेंगे श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धना की भारत यात्रा, ये 8 से 10 जनवरी 2020 के मध्य। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की भारत यात्रा, ये 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य, 2019 के मध्य। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की यात्रा कब रही, 19 से 20 दिसंबर 2019 के बीच। इंडोनेशिया गणराज्य की विदेश मंत्री रेटनो मरसोड़ी की भारत यात्रा, 13 से 14 दिसंबर 2019 के बाद। ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री जो अब्दुल्ला सईद की भारत यात्रा, ये 10 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य। गिनी के विदेश मंत्री ममादी टोर की भारत यात्रा, ये 2 से 5 दिसंबर 2019 के मध्य रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और रक्षा मंत्री तारो कोनो की भारत यात्रा, ये 30 नवंबर 2019। ठीक है, स्वीडन के राजा कार्ल या के कार्ल 16, गुस्ताफ और रानी सिल्विया की भारत यात्रा, 2 से 6 दिसंबर 2019 के मध्य। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की भारत यात्रा, ये आप देखेंगे ये आपकी 28 से 30 नवंबर 2019 के मध्य। भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी की भारत यात्रा, 17 से 23 नवंबर 2019 के मध्य। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, ये आपको देखने को मिलेगा 13 से 16 नवंबर 2019 के मध्य। फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो की भारत यात्रा, 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की भारत यात्रा, 13 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य। और निकारागुआ के विदेश मंत्री डेनिस रोनाल्डो कोलिंडेंस ड्रेज की भारत यात्रा, 27 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य। नीदरलैंड्स के राजा विलम एलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा की भारत यात्रा, ये 13 से 18 अक्टूबर 2019 के मध्य। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा, 11 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य। और थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉक्टर डॉन प्रमोद बिनेई की भारत यात्रा, 9 से 11 अक्टूबर 2019 के मध्य। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा, 3 से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य। मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्त मंगीन बटुलगा की भारत यात्रा, 29 से 23 सितंबर 2019 के मध्य। और 2020 में कहाँ यात्राएं हुई हैं ज्यादा? अब जावा की यात्राएं, यानी कि हमारे यहाँ के नेता कहाँ कहाँ गए, तो विदेश मंत्री की बात करें तो बेल्जियम यात्रा रही है 17 फरवरी 2020 को। विदेश मंत्री की जर्मनी यात्रा की बात करें तो 14 से 16 फरवरी 2020 को। और विदेश मंत्री की ट्यूनिशिया यात्रा की बात करें तो 22 से 23 जनवरी 2020 को। विदेश मंत्री की नाइजर यात्रा की बात करूं तो 20 से 21 जनवरी 2020 को। और विदेश मंत्री की ओमान यात्रा की बात करें तो 23 से 24 दिसंबर 2019 को। विदेश मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 17 से 18 दिसंबर 2019। विदेश मंत्री की कनाडा यात्रा की बात करें तो 19 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य। विदेश मंत्री की ईरान की बात करें हम लोग तो 22 से 23 दिसंबर 2019 के मध्य। और विदेश मंत्री की इटली यात्रा की बात करें तो 6 दिसंबर। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री की जापान यात्रा, 22 से 23 नवंबर 2019 के मध्य। प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तोक रूस यात्रा, 4 से 6 सितंबर 2019 के मध्य। राष्ट्रपति की आइसलैंड और स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया यात्रा, 9 से 17 दिसंबर 2019 के मध्य। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा, 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य। विदेश मंत्री की पेरिस यात्रा, 11 से 12 नवंबर 2019 के मध्य। विदेश मंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा, 9 से 11 नवंबर 2019 के मध्य। और विदेश मंत्री की सर्बिया यात्रा, 7 से 9 नवंबर 2019 के मध्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा, 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य। प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा, ये 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अजरबैजान यात्रा, 24
24 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फिलीपींस और जापान यात्रा, 17 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य राष्ट्रपति की कॉमोरोस और सेरा लियोन यात्रा, ए 10 से 14 अक्टूबर 2019 के बीच प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, ए 21 से 27 सितंबर 2019 के मध्य डॉक्टर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिनलैंड यात्रा, 19 से 21 सितंबर 2019 के मध्य। याद रखिए, ये तो रहा है कि घुमाई कम हो पाई है 2020 में हमारे नेताओं की, समझ रहे हैं आप लोग? तो बड़ा दुख है उन्हें कि घूमने के लिए नहीं जा पाए। तो ये आपका एक पार्ट, इसमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है आपके, इसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आपकी बात करेंगे अगला बी पार्ट, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का ही एक तरह से पार्ट है बी। इसमें आपका देखेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय प्रकरण में क्या क्या रहेगा हम लोग बात करेंगे।